तो हे गाइस कैसे हो आप सब एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थॉर 11 थंडर मूवी के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ओटीटी रिलेटेड के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देना। तो चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। थॉर 11 थंडर मूवी की बात करें तो ये मूवी थॉर की एमसीयू में चौथी मूवी है। इस मूवी के कास्ट की बात करें तो शायद आप लोगों को लगता होगा कि सिर्फ बॉलीवुड में ही नेपोटिज्म चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। थॉर 11 थंडर मूवी के कास्ट में हमें क्रिस हेम्सवर्थ यानी थॉर की बेटी इंडिया हेम्सवर्थ भी हमें इस मूवी में देखने को मिली थी। और यही नहीं, थॉर का बेटा, थॉर का भाई, उसके साथ साथ डायरेक्टर के बच्चे भी हमें इस मूवी में देखने को मिले थे। इस मूवी का बजट 250 मिलियन डॉलर था और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 700 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। वैसे तो इस मूवी की पॉपुलरिटी को देख कर लगता था ये मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 को आसानी से बीट कर पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये मूवी एक कॉमेडी मूवी बनकर रह गई। तो अब फाइनली बात करते हैं इस मूवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म और ओटीटी रिलीज डेट के बारे में। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा स्पाइडरमैन को छोड़ के मार्वल के सारे मूवीज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होते हैं, वैसे ही ये मूवी भी हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलेगी। और इस मूवी का ओटीटी में रिलीज होने का विंडो 45 डेज का है, जिस वजह से ये मूवी हमें 24 अगस्त को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।